अनदर मीशो क्लॉथिंग हॉल. यस गाइज, ये मेरा फर्स्ट एवर मीशो कुर्ती हॉल है एंड कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस भी हैं. सो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं और सभी की कोड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि मीशो पे प्रोडक्ट्स के लिंक्स नहीं होते हैं तो आप उन कोड के थ्रू जा सकते हैं या किसी भी इमेज के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं. तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं. वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे. तो यहाँ पे मेरे पास दो चिकन करी की कुर्ती है एंड एक टॉप है और एक वेस्टर्न ड्रेस है. तो देख लेते हैं. फर्स्ट यहाँ पे है मेरे पास ब्लैक कलर की एक कुर्ती जो कि हाफ स्लीव्स है. सो कुछ इस तरीके की कुर्ती है एंड सेम इसमें मैंने रेड कलर की भी ली थी. और ये वाला जो कुर्ती है बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका फैब्रिक ज़्यादा अच्छा है रेड वाले से. रेड वाली कुर्ती का भी आपको कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड इसका जो स्लीव्स है कुछ इस तरीके का है, ऊन वाला स्लीव्स है और ये बहुत ज़्यादा छोटा लेंथ की है, एकदम ज़्यादा बड़ी नहीं है तो ये अच्छी भी लगती है. अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनना चाह रहे हो या स्लीवलेस थोड़ा सा स्लीव्स होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो इस तरीके से फ्रंट पे है, इस तरीके के फ्लावर्स दे रखे हैं एंड पूरा ट्रांसपेरेंट है. यहाँ पे तीन बटन्स दे रखे हैं वो भी ऊन के हैं और इसमें इस तरीके का काम हुआ हुआ है, आप देख सकते हो. सो ये कुछ इस तरीके की है, इसका ट्राई ऑन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा एंड ये आपको घुटने तक आ जाती है. तो कुछ इस तरीके की चिकन करी कुर्ती है ब्लैक कलर की. इसमें आपको जो भी मिलती है वो ट्रांसपेरेंट ही मिलती है. अगर आप विदाउट ट्रांसपेरेंट लेते हो तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब उसको वॉश करते हो वो कॉटन में आती है एंड उसका कलर फेड हो जाता है. बट इसका कलर फेड नहीं होता है, ये थोड़ा सा जॉर्जेट जो फैब्रिक होता है कुछ इस तरीके से है. एंड नीचे की साइड बॉर्डर पे भी आपको पूरी इस तरीके की ऊन से वर्क हो रखा है. सी सो ये पीछे वाला साइड है, पीछे की साइड पे भी आपको इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स दे रखे हैं पूरे कुर्ते पे. तो एकदम प्लेन भी नहीं है पीछे से कि सिर्फ पीछे सिंपल सा कपड़ा लगा हुआ है, नहीं, इसमें भी पूरे में आपको इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स कहीं पर दे रखे हैं. सो आपको इसके अंदर ब्लैक कलर की इनर वगैरह वेयर करनी पड़ेगी. नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास वाइट कलर की सेम चिकन कलर की कुर्ती, बट ये वाली जो है मैंने जब इमेज में देखा था वो 3/4 साइज स्लीव्स थी, बट इसमें मुझे फुल साइज़ की स्लीव्स मिली है. कुछ इस तरीके का कुर्ता है, सेम कुर्ता है, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है ब्लैक वाले से एंड रेड वाले से. प्लेन कुर्ती है आप देख सकते हो, इसको मैंने एक बार वॉश कर लिया है. सो सी प्योर वाइट है एंड कुछ इस तरीके का नेक है. मैंने जो पिक देखी थी उसके अकॉर्डिंग ये कुर्ती थोड़ी सी डिफरेंट आई है, क्योंकि मैंने राउंड नेक पिक किया था एंड अगेन मुझे इसमें कॉलर मिला है. तीनों में ही कॉलर्स आई हैं एंड ये फुल स्लीव्स है आप देख सकते हो. सो स्लीव्स पे से थोड़ी सी लूज है, बाकी ये पूरा अच्छा साइज़ है एंड ये आपको डबल एक्सल में मिल जाता है 44 साइज़ का. सो यस गाइज, ये इस तरीके का है, प्योर वाइट है. आप इसको वाइट कलर की लेगिंग्स के साथ या रेड कलर की लेगिंग्स के साथ, मैंने इसको रेड कलर की लेगिंग्स के साथ पेयर अप किया है एंड ये इस तरीके से है. और इस पर भी इस तरीके का जो चिड़ का काम होता है वो हुआ हुआ है पूरी पे एंड बैक साइड पे अगेन आपको इस तरीके के फ्लावर्स मिल रहे हैं. ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट है तो आपको भी इसके अंदर वाइट कलर की इनर वगैरह पहननी पड़ेगी. सो कुछ इस तरीके से है ये. तो दोनों ही 350 के आसपास की, एक आई थिंक 300 की एंड एक 350 की है. तो जो भी प्राइजेज होंगे मैं आपको अगेन स्क्रीन पे दे दूँगी. सो एक है ये टॉप मेरे पास जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये लेपर्ड प्रिंट का टॉप है एंड इसमें आपको नोटिफिकेशन में कुछ लिंक्स मिलती हैं. जैसे ही आप मीशो डाउनलोड करेंगे, आपने फर्स्ट ऑर्डर किया, लॉगिन किया, तो आपको कुछ नोटिफिकेशंस आएंगी. आप अगर उन नोटिफिकेशन में जाओगे तो आपको सेल पे जो टॉप्स है, कुर्ती है, साड़ीज़ है वो मिलती है. तो उस एक लिंक में ये वाला टॉप था. सो 260 रुपीज़ का मैंने इसको लिया है एंड 260 के अकॉर्डिंग फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है एंड इसको मैंने अपनी एक वीडियो में वेयर भी किया है. उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ट्राई ऑन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा. सो कुछ इस तरीके का नेक है जो कि थोड़ा सा लूज़ लगता है जब हम पहनते हैं, तो नेक थोड़ा सा बड़ा लगता है एंड पीछे की साइड पे आपको यहाँ पे एक बटन दे रखा है और इस तरीके से ये ओपन है, स्लीवलेस है, इसमें कोई स्लीव्स नहीं आई हैं. और इसका जो ये एरिया है ये ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं है. तो विदाउट इनर या उसके भी आप पहन सकते हैं अगर आप स्लीवलेस पहनते हैं तो. और
कुछ इस तरीके का टॉप है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा है इसका। थोड़ा सा मुझे फ़ोटो के अकॉर्डिंग प्रिंट एंड कलर अलग लग रहा था, बट ये पहनने पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको रिटर्न नहीं करने वाली हूँ। सो एक ही वाली टॉप है जो कि बहुत अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की डेनिम के साथ ही बहुत अच्छे से जाने वाली है। सो बस इसका नेक थोड़ा सा लूज़ है क्योंकि नेक आगे से इस तरीके से होता है, आप इमेज में देख ही रहे हैं, ट्रायल में आप देख ही रहे हैं। सो एक ही वाला टॉप था क्योंकि 260 रुपीज़ का मैंने लिया है। अगेन इसमें डबल एक्सल साइज पिक किया था। एक ये वेस्टर्न ड्रेस लाइक कुर्ती है स्लीवलेस इस तरीके की, ये मैंने 15 दिन पहले ऑर्डर की थी, जस्ट मुझे ये आज रिसीव हुई है और ये इतनी बकवास की है, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप इसको लो, क्योंकि इसमें मैंने डबल एक्सल की साइज़ ऑर्डर किया था और ये मुझे बिल्कुल भी फिटिंग की नहीं आ रही है। प्लस इसके जो ये एरिया है इतना ज़्यादा ओपनड है, इतना बेकार लग रहा है पहनने पर। कुछ इस तरीके की ये ड्रेस है एंड इस तरीके की स्लीव्स हैं इसकी, स्लीवलेस ड्रेस है ये पूरी, एंड इमेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इमेज में मैंने जो देखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कट्स मिल रहे हैं, जो कि अगर आप एज अ वन पीस भी पहनना चाह रहे हो तो पहन सकते हो, बट ये एक पूरी लाइक जो मैक्सी गाउन होती हैं उस तरीके से है ये ड्रेस, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ना इसमें कोई इधर साइड पे कट है, यहाँ पर भी नहीं है, ना पीछे की साइड कट है, सो हमें पहनने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे ये ड्रेस। नेक इसका बहुत अच्छा है जो मुझे चाहिए था, बट जो ये वाला एरिया है ये थोड़ा सा स्टिच करवाना होगा, एंड ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें आपको ब्लैक कलर का अस्तर दिया हुआ है, बट ये सिर्फ ऊपर एरिया से ही आ रही है, नीचे जा नहीं रही है, मतलब वेयर नहीं कर पा रही हूँ इस कम्प्लीट ड्रेस को, मैं वेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए इसका मैंने ट्राई ऑन भी आपके संग शूट नहीं किया है। ये ड्रेस है जिसके साथ आपको इस तरीके का एक बेल्ट मिल रहा है, बट फिलहाल के लिए तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ और मैं आज ही इसका रिटर्न डाल दूँगी। तो यस गाइज, यही चार चीज़ें मैंने ली थी, इसके अलावा भी एक और है, तो अगर और भी मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ तो मैं आपके संग जरूर से शेयर करूँगी। सो यस गाइज, यही था आज का हॉल, वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल रही तो प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ब्लेस्ड।